नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको यह बताने की कोशिश करने जा रही हूँ कि जैसे कि पिछले साल दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में जो आरटी के तहत फॉर्म भरे गए थे नर्सरी केजी और पहली कक्षा के, उसमें पहली लिस्ट में जिन बच्चों का नाम आया था उन्हें आधे बच्चों का ही दाखिला हो पाया था, क्योंकि कोरोना की वजह से प्राइवेट स्कूलों में दाखिले बहुत कम हुए थे, लोगों की नौकरियां या फिर तो चली गई थी, आय के साधन कोरोना की वजह से कम हो गए थे। यह स्थिति केवल हमारे देश में ही नहीं है, पूरे विश्व में यही स्थिति थी। तो ऐसे में प्राइवेट स्कूलों में दाखिले कम हुए, जिसका बुरा असर कहीं ना कहीं EWS कैटेगरी, DG कैटेगरी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के दाखिलों पर हुआ था। लेकिन इस साल DOE फूक कर रख रहा है कदम, और हमारे लिए खुशखबरी यह है कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों के ज़्यादातर प्रिंसिपल कह रहे हैं कि इस साल दाखिले अच्छे हुए हैं, यानी कि बड़ी संख्या में नर्सरी केजी और पहली कक्षा में दाखिले हुए हैं, जिसका सीधा सीधा एक अच्छा असर RTE के दाखिलों पर पड़ने जा रहा है। दिल्ली के शिक्षा विभाग ने स्कूलों को कहा था कि वह उनके साथ डिस्कस करें, उनके साथ शेयर करें कि कितनी सीट्स पर जनरल कैटेगरी के तहत दाखिले हुए हैं, उसके अनुसार EWS DG कैटेगरी के तहत उनके स्कूलों में कितने दाखिले होंगे और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत उनके स्कूलों में कितने दाखिले होंगे। ये सारी जानकारी पहले से ही साझा की जाए, शेयर की जाए, ताकि बाद में स्कूल मना ना करें कि हमारे स्कूल में तो दाखिले ही नहीं हुए हैं जनरल कैटेगरी के, इसीलिए हम EWS कैटेगरी, DG कैटेगरी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के बच्चों को दाखिला नहीं देंगे। तो पहले 16 मार्च की एक लास्ट डेट रखी गई थी प्राइवेट स्कूलों के लिए कि वह DDE के सामने वह अपनी जानकारी रखें, उनके साथ जानकारी शेयर करें। अब इस आखिरी तारीख को, टाइम लिमिट को बढ़ा दिया गया है और यह आखिरी तारीख अब हो गई है 22 मार्च दोपहर 3 बजे तक। तो 22 मार्च दोपहर 3 बजे तक दिल्ली के उन सभी प्राइवेट स्कूलों को, प्राइवेट अनएडेड रिकॉग्नाइज स्कूलों को जो EWS कैटेगरी, DG कैटेगरी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड कैटेगरी के तहत दाखिले देने जा रहे हैं, उन्हें समय दिया गया है कि वे कंसर्न DDE को डेटा फॉरवर्ड कर दें और जो इम्पॉर्टेंट डेटा है या फिर कोई रिप्रेजेंटेशन है या कोई ऑब्जेक्शन है वह पहले ही बता दें 22 मार्च दोपहर 3 बजे तक, ताकि आगे DDEs और फर्दर डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन पूरी तरह से काम कर सके और सुचारू रूप से अपने प्रक्रिया को EWS कैटेगरी, DG कैटेगरी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत जो पूरी दाखिले की प्रक्रिया है उसे सुचारू रूप से चला सके, और 29 मार्च से EWS कैटेगरी, DG कैटेगरी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत फॉर्म जारी कर सके। तो यह नोटिफिकेशन है तो स्कूलों के लिए, लेकिन अभिभावकों को कहीं ना कहीं यह एक संकेत देती है कि इस साल EWS कैटेगरी, DG कैटेगरी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी की जो प्रक्रिया है उस पर DOE पूरी अपनी नज़र बनाए रखा है, और DOE चाहता है कि इस साल पिछले साल जो गलतियां हुई हैं वह दोहरा ही ना जाए। उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।